जिला परिषद वार्ड नंबर 6 सलोगड़ा वार्ड बेहद ही महत्वपूर्ण वार्ड था। इस वार्ड को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया था क्योंकि यहां से भाजपा की प्रत्याशी कुमारी सीला, जो पहले भी जिला परिषद चेयरमैन रह चुकी हैं, और कांग्रेस से बलदेव ठाकुर, जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, वे दावेदार थे। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत और उसके बाद जिला परिषद चेयरमैनी की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार से आजाद प्रत्याशी मनोज वर्मा बाजी मार गए। मनोज वर्मा की जीत पर गांव वासियों ने सूक्ष्म रूप से विजय रैली भी निकाली और मीडिया के समक्ष अपनी बात भी रखी। मनोज वर्मा ने रैली के दौरान बताया कि लोगों में ये धारणाएं थी कि जीत के बाद जिला परिषद सदस्य पंचायतों से नदारद रहते हैं, जिसके कारण विकास पूर्ण रूप से थम जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव वासियों को इस धारणा का बदलने का आश्वासन दिया, जिस पर गांव वासियों ने विश्वास जताया और उन्हें बिजी बनाया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने उनके खिलाफ काफी गलत प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन गांव के मतदाता जागरूक थे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, यही वजह रही कि उन्हें बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि जो वोट विकास के नाम पर पड़ता है, उस पर विकास करवाना प्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है, इसलिए सभी मतदाताओं को विश्वास दिलवाते हैं कि वे अपने वायदों पर खरा उतरेंगे, लड़ते रहेंगे। एक आइडिया बहुत लोगों के बीच से मन में, जो उनके बीच में बात थी, उभर कर आई है कि 5 साल बाद सब लोग आते हैं, वादे करते हैं, झूठ होते हैं, और उस परसेप्शन को हम बदलना चाहते हैं कि ये जो लोगों के मन में एक सिस्टम बन गया है कि जो राजनीति के लोग हैं वो बस 5 साल में वोट लेने के लिए आते हैं और उसके अलावा जो भी बातें करते हैं वो सब झूठ होती है, हम उसका बदलाव करना चाहेंगे। लोगों के मन में ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो 3 टायर सिस्टम है, इसके प्रति भी उन लोगों के मन में विश्वास जगाना चाहेंगे, और जो एक जिम्मेवारी होती है चुने हुए प्रतिनिधि की, वो भी पूर्ण रूप से निभा के उनको दिखाएंगे कि वोट का असली महत्व क्या है, और वोट कभी भी किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं होता, वोट हमेशा अपने लिए होता है। आज ये जो 5 साल अब आने वाले हैं, उस 5 साल में हम दिखाएंगे उनको कि ये वोट का फायदा जो आपने किया है, दिया है, उसका फायदा आप लोगों को हो रहा है, किसी नेता को नहीं होना चाहिए, उस फायदे का अब वो 5 साल पूरा आनंद लेंगे, यही मैं कहना। देखिए, पंचायती राज में मैं पहले दिन से कह रहा था, बहुत सारी भ्रांतियाँ यहाँ फैलाई गई, हमारे बारे में भी बहुत झूठ कहा गया और बहुत तरीकों से इस चुनाव को अपनी ओर रुख मोड़ने का प्रयास किया गया झूठ बोलकर, लेकिन लोगों ने उसको नकारा है, उस झूठ को दूर दरकिनार किया है। ये पंचायती राज है, इसमें इलेक्शन सिंबल नहीं होता, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं होती। मैं ग्रामीण संघर्ष समिति से हूँ, लेकिन मेरा जो सिंबल था वो गैस सिलेंडर है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती। ये इस तरह की पंचायती राज में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुनाव हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होते हैं, और पार्टीबाजी के कारण इसमें फूट पड़ती है, जिस कारण से विकास के कार्य रुकते हैं। मैंने ना सरकार के खिलाफ झंडा उठाया, ना मैं सरकार के खिलाफ, मैं लोगों के साथ हूँ। लोगों के हित की जहाँ भी जरूरत होगी, जहाँ भी बात होगी, हर उस आदमी के आगे नमस्ते हाथ जोड़ूंगा और हर वो काम करूंगा जो लोगों के हित के लिए होगा। उसमें मुझे कोई किसी प्रकार से परहेज किसी से नहीं है, चाहे वो बीजेपी के लोगों, चाहे कांग्रेस के लोगों। मैं इसीलिए किसी पार्टी में नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विकास हो। अगर विकास एक पार्टी करती है, मैं उसका समर्थन करता हूं, अगर कोई गलत बात करती है तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। तो जब भी जहाँ जैसी जरूरत होती है, मैं उस हिसाब से चलता हूँ। मुझे कोई पार्टी एफिलिएशन या पार्टी विशेष से कोई परहेज नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा काम सीधा सा है कि लोगों के लिए कार्य करूँ, और वो कहीं भी किसी भी माध्यम से करने की जरूरत हो, किसी भी रूप से कहीं से भी मिलता हो, मैं उसके लिए हमेशा उनके दरवाजे पर जाने के लिए तैयार हूँ।